एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकल कर आ रही है कि डरपोक चाइनीज आर्मी को भारतीय जवानों से तो लड़ने का दम नहीं, तब इन्होंने अपना जोर बच्चों पर आजमाना शुरू कर दिया है। अब रिसेंटली इन डरपोकों ने अरुणाचल प्रदेश के 17 साल के बच्चे का किडनैप कर लिया है। हम सभी को इसकी जानकारी अरुणाचल प्रदेश के एक बीजेपी सांसद तापिर गांव ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने यह भी बताया कि चाइनीज आर्मी अरुणाचल प्रदेश के 3-4 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर चुके हैं और वहां काफी सड़कें भी बना डाली हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के पास चाइनीज आर्मी ने लड़के और उसके दोस्त को किडनैप कर लिया। खुशकिस्मत से लड़के का दोस्त तो भाग निकला और उसी ने इस घटना की जानकारी सभी को दी। सांसद तापिर गांव ने इस घटना पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी से गुहार लगाई है कि इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। हम सभी को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जवान मासूम लड़कियों को चाइनीज आर्मी से छुड़ा लाएगी और उन डरपोकों को अरुणाचल प्रदेश से खदेड़ देगी। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।